देश में जहां भी कांग्रेस या अन्य प्रादेशिक दलों की सरकारें हैं वहां पर भाजपा ऐसा माहौल बना रही है कि मानो देश में प्रजातंत्र ही नहीं है। ऐसे में केंद्र की नीतियों से हताश जनता कांग्रेस को देख रही है। ये बात जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के समीप वंडर वर्ल्ड होटल में नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन देकर पीडीपी की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन आनन फानन में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया। सुधीर शर्मा ने कहा कि 11 दिसंबर को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे केंद्र की भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। केंद्र की नीतियों से परेशान जनता अब कांग्रेस की ओर देख रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि कई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी को लेकर जो निर्णय लेंगे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता मिलकर उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे। देखिए, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है वो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरे दलों की सरकारें हैं, जिसमें चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो प्रादेशिक, वहां पर इस तरह का माहौल और दबाव बनाना चाह रही हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि देश के अंदर प्रजातंत्र ही नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में पीडीपी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने समर्थन देकर के वहां पर सरकार का गठन कर रहे थे। अब ये तो हास्यास्पद बात है कि गवर्नर हाउस का पैक्स भी न चले। बाद में गवर्नर साहब ने कहा मेरे तो न गीजर चलते हैं न हीटर चलते हैं, और आनन फानन में उन्होंने जो है वो वहां पर सरकार को भंग कर दिया। अब जो है आने वाले लोकसभा चुनावों के साथ वहां चुनाव होंगे। निस्संदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर इस प्रकार का भय था कि अगर ये गवर्नर साहब इजाजत दे देते हैं फ्लोर टेस्ट की तो वहां पर जो है वो पीडीपी की सरकार बनती, तो उसी डर से जो है उनके ऊपर दबाव ये रहा कि उन्होंने उसको आनन-फानन में भंग किया। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, अभी जो 5 प्रदेशों के नतीजे आ रहे हैं 11 दिसंबर को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। सर आप देखिए, उम्मीदवार तो कई लोग उम्मीदवारी अपनी जिता रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा मैं उम्मीदवार हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी इस बात का निर्णय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ना है। जो भी चुनाव लड़ेगा पूरी पार्टी एकजुट होकर के उसका समर्थन करेगी और जिता करके यहां से उसको दिल्ली भेजेगी। यदि कांग्रेस पार्टी आप पर जो है अपना विश्वास जताती है तो आप क्या चुनावी रण के लिए तैयार हैं? देखिए, वो बाद की बात है, अभी तो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं 5, उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद पार्टी अपना सर्वे करवाएगी और मैंने पहले आपसे कहा कि ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो कि सीट जीत सके। तो प्रदेश में कोई भी हो, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कब तक अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित करने जा रही है? अभी तो मार्च अप्रैल के बाद केंद्र का चुनाव होगा लोकसभा का, मुझे लगता है कि ये जनवरी फरवरी तक जो है पार्टी कुछ निर्णय जो है जहां पर कोई ऐसा झगड़ा नहीं है और साफ साफ तौर पर सीधे ये पता है कि ये प्रत्याशी जो है जीतने वाले हैं तो उनकी घोषणा जल्दी कर रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस सर्वे कराएगी, इसके बाद जनवरी फरवरी माह तक कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर कोई निर्णय लेगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस वक्त जो हालात हैं उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार मात्र तबादलों तक सीमित होकर रह गई है, ऐसी विफल सरकार कभी नहीं देखी। देखिए, लगातार मैं वहां दौरे कर रहा हूं और लोगों में एक भारी बदलाव की लहर लोगों के अंदर है, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ जिन अच्छे दिनों के सपनों को देखते हुए लोगों ने मोदी जी को चुन करके केंद्र की सत्ता सौंप दी थी वो कोई भी चीज पूरी इन 4.5 वर्षों में नहीं हुई। लोग पूरी तरह से हताश होकर के जो है कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारी बदलाव देश के अंदर आएगा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। सर, दो मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हालात हैं प्रदेश सरकार के, जो एक वर्ष पूर्व जिसका गठन हुआ था उसके हालात को देखते हुए, केंद्र की भाजपा सरकार को देखते हुए,
और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं देश और प्रदेश के अंदर उनको देखते हुए चारों की चारों सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। प्रदेश के जो अभी भाजपा सरकार बनी है तो 10 महीने का कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस कार्यकाल मैं समझता हूं कि आज तक की जितनी भी सरकारें प्रदेश के अंदर रही, चाहे वो पूर्व में भाजपा की भी रही हो कांग्रेस की भी रही हो, मैंने आज तक ऐसी विफल सरकार कभी नहीं देखी। और इन 10 महीनों में इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय बदलियों के, चाहे वो अपना प्रशासनिक ढांचा हो शिमला का, सेक्रेटरीट का, वो भी अगर आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है तो फील्ड में क्या हाल होंगे इसकी आप पूरी सोच सकते हैं उसके बारे में। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप तपोवन में 10 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस 9 दिसंबर को धर्मशाला में रणनीति बनाएगी। प्रदेश सरकार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, ये बात नॉर्थ इंडिया पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने कही। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की हम सत्र को सामान्य रूप से चलने देंगे पर पूछे सवाल पर आशा कुमारी ने पत्रकारों से कहा कि 9 दिसंबर को धर्मशाला में सीएलपी की बैठक होगी जिसमें शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। आशा कुमारी ने कहा कि विपक्ष द्वारा विधानसभा में हर मुद्दे को उठाया जाता है। आशा कुमारी द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष का रुख कड़ा रहने वाला है। सीएलपी की बैठक होगी तो रणनीति और वो तो वहीं बनेगी शीतकालीन सत्र को लेकर के। शायद 10 तारीख से सत्र है तो 9 तारीख की शाम को जो हमारा एक रहा है शुरू से कि उसकी पूर्व संध्या पे सीएलपी की बैठक होती है तो सीएलपी की बैठक में रणनीति बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो सरकार को एक साल होने जा रहा है और एक साल में पहले निराशाजनक इनका प्रदर्शन रहा है, निश्चित तौर पे हम सारी बातें जो है विधानसभा में उठाएंगे, सारे मुद्दे उठाएंगे। मेजर मुद्दा जैसे सीएलपी की मीटिंग बैठक में हम फैसला करेंगे सब विधायक बैठ करके। ठीक।